मैंने कल भी आई थी, मैंने देखा, आवाज भी देखा, कल भी बहुत अच्छा रहा, आवाज का बहुत ही अच्छा था, बहुत अच्छा था आज का, अच्छा लगा, नेचुरल था, नेचुरल एक्टिंग थी, नेचुरल एक्टिंग अपील करती है, ठीक है। बहुत अच्छा लगा। मेरा नाम नंदकिशोर अग्रवाल है। आज का नाटक चारों दिनों से अच्छा था, फंटास्टिक, और जल्दी उम्मीद है कि कुछ और देखने को मिलेगा। धन्यवाद। बहुत बढ़िया सर, मेरा नाम रमेश बिष्ट है, और इतना बढ़िया नाटक है कि हम तो इसके लिए टाइम निकाला खुद ही, वैसे इवनिंग ड्यूटी होती है मेरी, लेकिन इसके लिए 4 दिन बहुत ही बढ़िया सही में, कभी नहीं, बिल्कुल ही। आकाश नायक है, बहुत ही अच्छा नाटक था, ग्रिपिंग नाटक था, एकदम जबरदस्त था, डायरेक्शन बहुत अच्छा था, और टाइमिंग बहुत जबरदस्त थी एक्टर्स की, तो बहुत मजा आया। सर मेरा नाम डॉक्टर सुधीर महाजन है, और आई हैव कम फ्रॉम जम्मू स्पेशली टू विटनेस दिस प्ले। तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, और आज के समय में इस तरह के प्रयास जो हैं बहुत ही कम किए जा रहे हैं। कॉमेडी के नाम पे तो बड़ा फूहड़ सा भी होता है, लेकिन इस तरह का जो मैसेज है, कंटेम्प्रेरी जिसको समकालीन बोलते हैं, वो मुझे यहाँ देखने को मिला, और आशा करता हूँ कि ये जो नाटक है यहीं पे इस LTG में ही ख़त्म नहीं होगा। आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि बड़े सारे शोज़ जो हैं पूरे हिंदुस्तान में शायद इसके होंगे, और इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि इस नाटक की जो कास्ट है वो सिर्फ 3 है, और 3 लोगों के नाटक 1.5 घंटा 1.75 घंटा किसी को बैठा के रखना, ये बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है, और ये एमेच्योर लोग हैं, और इस तरह का मैसेज जो है, एमेच्योर लोग जो दिल्ली में भी काम कर रहे हैं, इससे उनको बहुत कुछ मुझे लगता है कि सीखने को मिलेगा। सो फार एज दिस देयर परफॉर्मेंस इज कंसर्न, कि 2 लोग 3 लोग भी बहुत बढ़िया नाटक, हालांकि सोलो भी लोग करते हैं, लेकिन ये जो कॉमेडी का जो इसमें रखा है और कंटेम्प्रेरी बना के किया है, दैट इज द फैंटास्टिक थिंग। आई अप्रिशिएट लॉट, एंड आई विश कि इसके जो शोज हैं वो पूरे भारतवर्ष में हों। थैंक यू, शुक्रिया। I absolutely loved the drama. It was like really fun loving, and the actors played it very well, and keep it up. My name is Vridhi, and I think the play was brilliant. Like actors were like, they were all amazing, and yeah, it was really fun loving. My name is Deepika. बहुत अच्छा लगा, और इसी तरीके से थोड़ा हंसने के लिए कुछ होना चाहिए, क्योंकि ऐसे तो हम लोग परेशान ही रहते हैं सब। बहुत बढ़िया लगा, प्ले अच्छा था, एंटरटेनिंग था, और एक्टर्स बहुत अच्छे थे, खासकर जो अरुण जी थे जेंट्स की भूमिका, तो बहुत ही अच्छी थी, उन्होंने बहुत ही अच्छा एक्टिंग करी उन्होंने। हाँ, मेरा नाम सुनीता शर्मा है, बहुत अच्छा प्ले था, बस हाँ सांस के पेट में दर्द हो गया यानी कि इतनी क्वांटिटी थी उसमें कि नज़र ही नहीं हटी कि इधर उधर देखने का टाइम मिले, बहुत हंसी आई, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा। मैं सुबोध शर्मा हूँ, और ये प्ले देख के बहुत आनंद आया, और पूरा समय हमने 1 घंटा 20 मिनट इसको एंजॉय किया। मुझे लगता है कि शायद ये एक ऐसा पहला प्ले है जिसमें मैं बहुत हंसा हूँ। बहुत अच्छा नाटक था, तीनों एक्टर्स ने बहुत अच्छी एक्टिंग की, JP जी का डायरेक्शन बहुत अच्छा था, स्क्रिप्ट बहुत अच्छी थी, बहुत बहुत बधाई इनको, थैंक यू। मेरा नाम कुशा है। प्ले बहुत अच्छा था, कॉमेडी बहुत बढ़िया थी, और जो कलाकार थे उनकी परफॉर्मेंस तो बहुत ही बढ़िया थी, वो कुछ नाटक जैसा लग ही नहीं रहा था, काफ़ी रियल लग रहा था, और काफ़ी हम उसमें डूबकर हंसते हंसते काफ़ी इन्जॉय किया। हेलो, मैं गौरव सोनी गाज़ियाबाद से, जेपी सिंह जी के नाटक में पहले भी देखता आया हूँ, और मैंने इंस्टाग्राम से मुझे पता लगा कि आज ये शो होने वाला है, मैं देखने के लिए गाज़ियाबाद से स्पेशली आया बच्चों को लेकर। नाटक बहुत अच्छा था, कॉमेडी शो था, इसीलिए मैंने कहा बच्चों को ज़रूर दिखाना है, और बच्चों को मैं दिखाना चाहता था, लाइव शो दिखाना चाहता था, वो फिल्म्स वगैरह देखने की बहुत ज़्यादा जिद करते, मैंने कहा आज आपको एक लाइव शो दिखाता हूँ, बच्चे बहुत खुश हैं, बहुत हंस रहे थे, और बहुत अच्छा लगा देख करके, बहुत अच्छी एक्टिंग, धन्यवाद।
मेरा नाम रजनीकांत शुक्ल है, गाज़ियाबाद से मैं आया हूँ और आज इत्तिफाकन मैंने देख लिया और इतना बढ़िया कॉमेडी का नाटक है। जेपी के नाटक बहुत अच्छे होते हैं तो उनका नाम ही एक अच्छा ब्रांड हो गया है और ये बहुत ही शानदार नाटक लगा और हंसते हंसते खूब इंजॉय किया आज के नाटक को। थैंक यू। मेरा नाम ए आर रहमान है। कैसा लगा शो? बहुत अच्छा लगा। इसमें क्या ना कि देखिए, चूँकि हम भी एक मर्द हैं तो ये सीखने को ये चीज़ मिलती है कि दो शादी करके जीवन गुजारना कितना मुश्किल है। ये शो के थिएटर के माध्यम से भी देखने को मिल रहा है और अगर रियल लाइफ की बात आएगी तो शायद जितना मैं कह रहा हूँ उससे कई गुना ज़्यादा टफ होगा उसको निभा पाना रिश्ते को। कैसे लड़ाई झगड़े होते हैं, हर एक चीज़ का बंटवारा होता है, हर एक चीज़ को बिल्कुल बराबरी से उनका उनको देना, और चाहे वो मान सम्मान की बात हो या कोई भी चीज़ हो, घरेलू कोई चीज़ हो तो उसको बराबर से ही देना, नहीं तो लड़ाई झगड़े के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए मर्दों को। थैंक यू। क्या नाम है? माय नेम इज़ आर्ची गार्सिया। और ये एक्ट बहुत अच्छा था। एक्चुअली इट वाज माय फर्स्ट टाइम जब मैं ऐसा कोई एक्ट या प्ले देख रही थी, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। या आई क्वाइट लाइक इट। हाँ, स्टोरी अच्छा था, स्टोरी। या नमन भारद्वाज मेरा नाम है। कैसा लगा आपको प्ले? बहुत बढ़िया। एक्चुअली मैं सर का स्टूडेंट हूँ एंड आई हैव बीन विद हिम फॉर लास्ट 2-3 ईयर्स और बहुत ही मतलब जितने भी प्ले इन्होंने लिखे हैं, जितने प्ले इन्होंने करे हैं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट। मतलब हर एक प्ले आज तो आपने देखा एकदम कॉमेडी जिसमें हंसी आज ही एकदम रुकी नहीं रही है। एक प्ले इनके ऐसे भी हैं जिनमें आप हंस ही नहीं सकते, मतलब इतने इंटेंस, इतने सीरियस, रोना आ जाए आंखों से। तो वैसे प्लेज मैंने करे हैं इनके साथ, तो इट्स बहुत अलग तरीके की वेराइटी लेकर के आते हैं सर, फैबुलस एकदम। मेरा नाम खुशबू शाह है और जो प्ले में अमन कैरेक्टर थे उनके स्कूल में मैं साथ में कलीग हूँ। मैं डांस टीचर हूँ और वो थिएटर टीचर है मेरे स्कूल में। प्ले के बारे में क्या बताऊँ, ऑसम शब्द नहीं है। और सही बात है, जब आप भी पतियों पे होती है दो दो पत्नियों का तो फिर यही हाल होता है। तो इस प्ले से अच्छे अच्छे पतियों को सीख भी मिल गई होगी कि एक ही पत्नियाँ काफ़ी है, दो का ध्यान ना रखें। और दूसरा, इट वॉज रियली फैंटेबुलस, मतलब फैंटास्टिक कैरेक्टर्स, तीन कैरेक्टर्स ने पूरा शो संभाल लिया। ऑसम प्ले, थैंक यू सो मच। मैं नंदिनी बनर्जी। बहुत बढ़िया लगा आज का ये प्ले। एक्चुअली कॉमेडी, और वो भी इतनी प्योर कॉमेडी हो सकती है तो वो तो एक अलग चीज़ होती है। और जेपी सर का था तो हम लोगों को वैसे भी, और इनका मैंने दूसरा सीरियस प्ले भी देखे हैं, पर ये जो नाटक देखा तो ये तो बहुत थिन लाइन है जो बड़ा सुंदर से और निर्मल आनंद, बस मैं यही बोल सकती, बहुत बढ़िया लगा मुझे। धन्यवाद। मेरा नाम है शुद्धो बनर्जी, प्ले करता हूँ, एक्टर हूँ, डायरेक्टर हूँ। मतलब बहुत सालों बाद ऐसी कॉमेडी देखी कि मुझे लगता है कि ब्रॉडवे के कॉमेडी जैसे होते हैं, बिल्कुल वैसे ही है। स्क्रिप्ट, एक्टिंग, डायरेक्शन, टाइमिंग, सेट, लाइट्स, टोटली फ्लॉलेस। और दर्शक ऐसे ही रिएक्शन देते गए कि कोई उसमें एक जगह भी नहीं है जहाँ पे लूज लगे। पंच आफ्टर पंच। सबसे बड़ी बात जो है, निर्मल आनंद। इसमें कोई ऐसे वैसी बात नहीं है। मुझे बहुत लगा, 100% तृप्ति, सेटिस्फाइड। मैं डॉक्टर हरिसुमन बिस्तू हूँ, उपन्यासकार, कहानीकार, नाटक लिखता हूँ। ये नाटक मैंने आज देखा, बहुत खूबसूरत नाटक। इसके लिए पात्रों की, अभिनय की जितनी चर्चा की जाए वो कम है, और प्रशंसा कितनी की जाए ये बहुत असीम है। क्योंकि कोई भी पात्र यदि कोई डायलॉग, कोई संवाद यदि बोलता है और वो दर्शक के या श्रोता के दिल तक पहुंच जाता है तो उसकी सफलता है। इस नाटक ने लोगों के मन को छुआ है और एक आत्मीय विश्वास लोगों के बीच पैदा हुआ है। ये बहुत बड़ा संदेश देने की कोशिश जयवर्धन जी ने इस नाटक के माध्यम से की है, उनको मैं हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएँ देता हूँ। और जो कहानी का कथानक है वो समसामयिक है। जो जीवन में उठापटक हम देख रहे हैं, जिन परिस्थितियों से हम गुजर रहे हैं, उन परिस्थितियों को जस का तस इसमें उतारने की कोशिश की है, कोशिश किया है। नाटक पूरी तरह से एक सफल नाटक हुआ है, मैं इतना ही इसके बारे में कहूँ।
नमस्ते, मेरा नाम भारती है और इस नाटक की बात करें तो नाटक से मेरा जुड़ाव थोड़ा सा पुराना है, जब से नाटक बन रहा था। इस नाटक में मैंने नृत्य संरचना की है जिसे हम कोरियोग्राफी कहते हैं, लेकिन एक दर्शक के रूप में भी हम बहुत नाटकों से जुड़े रहते हैं, दर्शक के रूप में भी हम नाटकों को देखते हैं। ऐसे में यही कहूँगी कि किस वजह से उस नाटक को किया गया, वो वजह जो है वो ये नाटक जो है पूरी करता है, लोगों को हंसाने के लिए, लोगों को गुदगुदाने के लिए, और किसी परिस्थिति में हम कितना हंस सकते हैं, कितना हंसा सकते हैं, तो ये नाटक उस लिहाज से अपने आप में पूरा उतरता है। तो उसके लिए मैं नाटक के लेखक जयवर्धन जी को और साथ ही इस नाटक को जिन्होंने निर्देशित किया जेपी सिंह, आप दोनों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, और सभी ने अपने पात्र को बहुत ही सुंदर तरीके से निभाया, सभी को बधाई। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया, हर नाटक जो है वो अपनी अपनी एक वजह लेकर बनाया जाता है, उसके पीछे का अपना एक प्रयोजन होता है, अपना एक कारण होता है। जब मैं इस नाटक को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि ये नाटक हमें हंसाता है कुछ समय के लिए, हमें बाकी सभी चीज़ों से, हमारी सभी परेशानियों से हमें दूर ले जाता है, और हमारे जितने भी भाव हैं, जितने भी रस हैं, उसमें से सबसे सुंदर माना जाता है हास्य रस है। तो हास्य रस के को लेकर किसी नाटक को करना और लोगों के अंदर उसको पहुँचाना, उस भाव को करना, उस भाव के रस को लोगों तक पहुँचाना, दर्शकों तक पहुँचाना, ये सबसे मुश्किल काम है। तो इस मुश्किल काम को इतने सुंदर तरीके से, इतनी आसानी से ये नाटक जो है वो पूरा करता है। इसमें सीखने सिखाने जैसा उतना नहीं है जितना ये है कि इस हास्य के भाव को बहुत ही सुंदर तरीके से प्रदर्शित करता है, जो हम तक पहुँचता है। हम सबके चेहरों पर एक मुस्कान है, हम सब बहुत हंसे हैं, तो नाटक अपने आप में सफल है। नमस्ते। हेलो, माय नेम इज़ रोहित श्रीवास्तव, एंड आज का जो प्ले था बहुत ही अमेजिंग था, बहुत ही हंसी आई, मतलब हंसी रुकी नहीं रही थी, इतना ज़्यादा इंगेजिंग था। जितने भी कलाकार थे उन्होंने इतने अच्छे से परफॉर्म किया कि पता ही नहीं चल रहा था कि मतलब कब हमें रुकना है। सो इट वाज वेरी अमेजिंग टू वॉच, वेरी इंगेजिंग, एंड डॉक्टर वी एस पांडे है, मैं प्रोफेसर हूँ और मैं यहाँ अक्सर आता हूँ इस ऑडिटोरियम में, और बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ जो प्ले हुआ बहुत अच्छी तरह से सिंक्रोनाइज था, इम्प्रोवाइज था, और मुझे लगता है हर किसी को थोड़ा समय निकाल के ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि एक बड़ी अच्छी अनुभूति होती है, लोग अपने को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो बहुत ही, मुझे तो बहुत मज़ा आता है यहाँ आके, और वेरी माइंड बॉगलिंग। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। अग्नित्री है और आज का प्ले मेरे को बहुत अच्छा लगा, ये दो बीवियों के ऊपर था और इसमें बड़ा देखने में बहुत कॉमेडी और अच्छा लगा, और ऐसे प्ले होते रहने चाहिए। थैंक यू।